राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले के खंडौरा गांव के पास पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गोकुल हुआ घायल। एक फरार असलाह कारतूस और बाइक बरामद। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पवन थानाध्यक्ष ब्रिजेश सिंह व मित्रपुर चौकी प्रभारी सुनील कुमार सरोज क्षेत्र के पहाड़पुर पुलिस के पास चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच तेज रफ्तार दो व्यक्ति बाइक से आते दिखे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो वो खंडौरा की तरफ भागने लगे। पवई थाना पुलिस ने नियंत्रण कर कच्छ पर जानकारी देते हुए बदमाशों का पीछा करने लगे तो वहीं दूसरी तरफ से बिलरियागंज थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह भी सूचना के आधार पर खंडौरा की तरफ चल दिए। दो तरफ से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा करते हुए पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान नदीम के रूप में हुई जो सातिर गोकस और उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। घायल बदमाश के ऊपर पहले से 10 मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास से बाइक असलाह व कारतूस बरामद हुआ जबकि फरार बदमाश मुन्ना नोना की तलाश में पुलिस सघन चेकिंग कर रही है। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। देर रात्रि में थानाध्यक्ष पवई और चौकीचार मित्रपुर जब पहाड़पुर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे तभी एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए गए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो खंडौरा की तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और आरटी सेट से अवगत कराया गया। थानाध्यक्ष बिलरियागंज भी उधर पहुँचे। जब अभियुक्त द्वारा अपने आप को घिरा हुआ पाकर फायरिंग पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को के पैर में गोली लगी और इसे गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर अंधेरे में भाग गया। बदमाश का नाम जिसके गोली लगी है उसका नाम नदीम है और ये एक शातिर गौकश है और इसके ऊपर करीब 9-10 मुकदमे पूर्व से हैं और दो केसों में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपये का इनाम इस पर घोषित था। इसके पास से मोटरसाइकिल और तमंचा और अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। ये दूसरे अभियुक्त की तलाश में सघन चेकिंग की जा रही है। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।